जीवट राम भगवान दास कुपलानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी गांधीवादी समाजवादी पर्यावरणवादी तथा राजनेता थे। सम्मान से आचार्य कुपलानी कहा जाता है। वे सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जब भारत को आज़ादी मिली, जब अंतरिम सरकार में 1946 में अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ, तो सरदार पटेल के बाद सबसे अधिक मत उनको ही मिले थे। कुपलानी ने 1977 में जनता सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाई। कुपलानी गांधीवादी दर्शन के एक प्रमुख व्याख्याता थे और उन्हें इस विषय पर अनेक पुस्तकें लिखी। मौलिक अधिकार की पूर्ण जांच परख के लिए एक उपसमिति का गठन किया, जहाँ उसकी अध्यक्ष जेबी कुपलानी थे। आचार्य जेबी कुपलानी हैदराबाद के उच्च मध्यवर्गीय परिवार में 1888 में पैदा हुए थे। उनके पिताजी एक राजस्व और नायिका अधिकारी थे। जेबी कुपलानी 8 भाई बहने थे, उनमें आचार्य जी 6वें थे। पारंपरिक शिक्षा चीन से पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई के विलासन कॉलेज में प्रवेश लिया। उसके बाद वह कराची के डीजे सिंध कॉलेज चले गए। उसके बाद पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से 1908 में स्नातक हुआ। आगे इन्होंने इतिहास और अर्थशास्त्र में एमए उत्तीर्ण किया। जीवट राम बहुत अनुशिक्षित तथा कुशांग बुद्धि के थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद कुपलानी ने 1912 से 1917 तक बिहार में गियर भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज में मुजफ्फर में अंग्रेजी और इतिहास के अध्यापक के रूप में अध्ययन किया। 1929 में उन्होंने थोड़े समय के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई की। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के संपर्क में आए और यहीं से उन्हें जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। 1920 से 1927 तक महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ के वे प्रधानमंत्रीचार्य रहे। तभी से उन्हें आचार्य कुपलानी कहा जाता है। उन्होंने 1921 से होने वाले कांग्रेस के अधिकार आंदोलन में हिस्सा लिया और अनेक बार जेल करे। कुपलानी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य बने और 1928 से 1929 में महासचिव बने। 1936 में वे सुचेता कुपलानी के साथ विवाह सूत्र में बन गए और सुचेता मजूमदार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय में शिक्षक थी। उनकी पत्नी हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रही, मंत्री पद पर भी रही और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी। आचार्य कुपलानी ने 1934 से 1945 तक कांग्रेस महासचिव के रूप में सेवा की तथा भारत के संविधान के निर्माण में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। सन 1946 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस के गठन और सरकार से बंद संबंध को लेकर नेहरू और पटेल से मतभेद थे। नेहरू और पटेल से संबंधित ठीक ना होने के बावजूद आचार्य कुपलानी भारत के आज़ादी के समय 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद चुने गए। 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद से नेहरू ने उनकी यह मांग मानने से मना कर दिया कि सभी निर्णय में पार्टी का मत लिया जाना चाहिए। पटेल के समर्थन से नेहरू के कुपलानी से कह दिया कि यद्यपि पार्टी एक मोटा सिद्धांत और दिशानिर्देश बना सकती है, तो किंतु सरकार के दिन प्रतिदिन में कार्य में उससे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। यही बात आगे आने वाले दिनों में सरकार और पार्टी के संबंधों के लिए नजर बन गई। किंतु जब 1940 में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ तो नेहरू ने आचार्य कुपलानी का समर्थन किया। दूसरी ओर पुरुषोत्तम दास टंडन थे जिनका समर्थन पटेल कर रहे थे। इससे पुरुषोत्तम दास टंडन विजयी हुए। अपनी हार से तथा गांधी के असक्रिय ग्राम स्वराज के सपनों को चकनाचूर होते हुए देखकर विचलित हो गए और 1951 में उन्होंने कांग्रेस को अपना इस्तीफा प्रस्तुत कर दिया था तथा अन्य लोगों का असहयोग के किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई। यह दल के आगे चलकर प्रजा समाजवादी पार्टी में हो गया। उन्होंने विजिल नाम से एक साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया था। वे सन 1942 से 1947 से 1933 तक 1947 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में लोकसभा चुनाव जीते। दर्शता है कि उनकी पत्नी सुचेता कुपलानी कांग्रेस में बनी रही और पत्नी संसद के भीतर अक्सर एक दूसरे के विरुद्ध बिखर सकते हुए देखे जाते हैं। अक्टूबर 1939 में आचार्य कुपलानी बीके कृष्णा मेनन के विरुद्ध लोकसभा चुनाव लड़े, जो उस समय रक्षा मंत्री थे। यह चुनाव एक अत्यंत कड़वे माहौल में लड़ा गया था। इस चुनाव में भी आचार्य नहीं जीत पाए। भारत चीन युद्ध के ठीक बाद अगस्त 1933 में आचार्य कुपलानी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए और जो लोकसभा में लाया गया पहला अविश्वास प्रस्ताव था। कुछ दिनों बाद उन्होंने प्रजा समाजवादी पार्टी के इस्तीफा देकर स्वतंत्र नेता के रूप में कार्य किया। वर्ष 1966 में पवींद्र चंद्र भजादेव और आदिवासियों पर हुई पुलिस की गोलीमारी के बाद आचार्य कुपलानी इसी सिलसिले में रायपुर आते रहते थे। इस घटना ने देश की राजनीति को हिला दिया था। उसी समय अपने राजनीतिक समर्थक के कहने पर उन्होंने वर्ष 1967 में रायपुर लोकसभा से चुनाव लड़ा था। आचार्य के सामने कांग्रेस से एल गुप्ता मैदान में थे, जिनकी लोकप्रियता आचार्य के सामने फीकी थी। फिर भी आचार्य कुपलानी चुनाव नहीं जीत पाए।
वे नेहरू की नीतियों और उनके प्रशासन की सदा आलोचना करते रहते थे। अपना बाद का जीवन उन्होंने सामाजिक एवं पर्यावरण को हित के लिए लगाया। चुनावी राजनीति में बने रहते हुए भी वे धीरे धीरे समाजवादियों के अध्यमिक नेता जैसे बन गए। विशेष रूप से वे और विनोबा भावे गांधीवादी धड़े के नेता बने जाते हैं। विनोबा के साथ साथ आचार्य कृपलानी भी 1970 के दशक के अंत तक पर्यावरण एवं अन्य संरक्षण में लगे रहे। 1972 से 1973 तक आचार्य कृपलानी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बढ़ती हुई सत्तावादी नीति के विरोध अनशन किया। कृपलानी और जयप्रकाश नारायण मानते थे कि इंदिरा गांधी का शासन अधिनियम का वादी हो गया है। जयप्रकाश नारायण और राममोहन लोहिया सहित आचार्य कृपलानी ने पूरे देश की यात्रा की और लोगों को अहिंसक विरोध तथा नागरिक आवाज करने का अनुरोध किया। जब आपातकाल लागू हुआ तो 80वीं वर्ष के अधिभूत कृपलानी 23 जून 1973 की रात में गिरफ्तार होने वाले कुछ पहले नेताओं में से थे। 1977 की जनता सरकार उनके जीवन काल में ही बनी। 19 मार्च 1982 को 13 वर्ष की आयु में अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में उनका देहांत हुआ। उनकी आत्मकथा माय टाइम्स उनके देहांत के 22 वर्ष बाद 2004 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने भारत को विभाजित करने की योजना को स्वीकार करने के लिए अपने कांग्रेसी साथियों को दोषी ठहराया। उनके जन्म की 101वीं जयंती के अवसर पर 19 नवंबर 1989 को भारतीय डाक विभाग ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया।